एक गांव जिसके कई किसान लोन के कर्ज में डूबे थे, एक ऐसा लोन जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं। अपने खेत घर और अपने जीवन को बचाने के लिए वो हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। आज रात हम आपको दिखा रहे हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। सत्यनारायण तो गुजर गए सुजीत बाबू, अभी कर्जा का बोझा का उनके परिवार वालों पर पड़ेगा। हाँ, मतलब कर्जे की भरपाई के लिए जमीन के कागजात एक तरह से गिरवी थे, तो सत्यनारायण जी के गुजरने के बाद अब जमीन पर बैंक का ही हक है। का कोनो रास्ता नहीं है कि हम गरीबन की कोई सुने, ये ऐसे तो हम सब लुट जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक बार तुम लोग यहाँ के SDM साहब से मिल लो, हो सकता है तुम सब लोगों की बात सुन के वो कुछ जांच पड़ताल करवाएं इस मामले में। वो इतने बड़े अफसर हैं, हम लोगों की बात सुनेंगे? देखो, कोशिश करने में क्या नुकसान है, क्या कहेंगे, ना ही तो कहेंगे ना। लेकिन हो सकता है तुम लोगों की बात सुन लें और कुछ उपाय निकल आए। जाओ साहब बुलाएं। साहब, हमको लगता है हरीश गोयल ही वो आदमी है जिसने हम सबको ठगा है। कैसे इतना बड़ा कर्जा लेने का हैसियत हम में से किसी का नहीं है। हम लोग छोटे किसान हैं साहब, थोड़ी थोड़ी जमीन है सबके पास, उससे किसी तरह से गुजर हो जाता है। इतना बड़ा कर्जा कोई कहे हम लोग को देगा? लेकिन तुम लोगों ने ही अभी कहा ना कि बैंक के कर्ज के पैसे तुम्हारे अकाउंट में आए और निकाल भी लिए गए। नहीं साहब, हमको पता ही नहीं चला कि कब हमारे खाता में पैसा आया, कब निकाल लिया गया। सारे किसानों का बैंक में खाता है, पर कौन किसान रोज रोज बैंक जाता है साहब? वो तो बैंक की वसूली करने वाले लोग नहीं आते, तो हम लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि हमारे बैंक के खाते में कहां से पैसा आया और कैसे किसी ने निकाल लिया। तुम लोगों ने बैंक अधिकारियों से बात की, क्या कहा उन्होंने? साहब, बैंक तो हमारा सुन ही नहीं रहा है, बल्कि ऊपर से वो तो ऊपर से साहब हम लोग हर जगह गुहार लगा चुके हैं, अब एक आपे का सहारा है हम किसानों को। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे साहब? देखो, मैं चाहकर भी इस मामले में तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, और खासकर बैंक के मामले में तो मैं दखलंदाजी कर ही नहीं सकता। और एक बात तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर बैंक ने तुम्हें कर्ज दिया है और कर्ज की रकम बैंक के पास वापस नहीं आई है, तो बैंक को पूरा अधिकार है अपने कर्ज को वसूल करने का। अब रही बात की किसने किसको ठगा है, ये जानने के लिए हमें सबूत चाहिए ना, और सारे सबूत जो हमारे पास हैं ये सारे के सारे तुम लोगों के खिलाफ। अब ऐसे में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? साहब ऐसे मत लौटाइए साहब, मर जाएंगे साहब। अरे ये क्या कर रहे हो, ये ऑफिस है, चलो वहाँ चलो, लो इसको। परिवार सड़क पर आ जाएगा साहब। देखो, मैं तुम लोगों को एक सलाह देता हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे केस में आगे कार्रवाई हो तो सीधे जाके DM साहब से मिलो, DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। अगर वो मुझे कोई आदेश देते हैं तो मैं इस केस में जरूर कार्रवाई करूँगा, वरना मैं मजबूर हूँ। सॉरी। अरे DM साहब ऐसे नहीं मिलते हैं, उनसे मिलने के लिए अर्जी देनी पड़ती है। देखिए साहब, हम लोग कोसपुर गांव से आए हैं, बड़ी परेशानी में हैं। अगर आप DM साहब से थोड़ी देर के लिए मिलवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। साहब 10 मिनट में अपनी बात कह के निकल जाएंगे, एक बार मिलने दीजिए। DM साहब को और भी बहुत से ज़रूरी काम होते हैं, वो ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिलते। ठीक है साहब, हम लोग यहीं बाहर बैठते हैं और वहीं इंतजार करते हैं, साहब को जब फुर्सत मिल जाएगा हम लोग को बुला लीजिएगा। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, हैं? एक काम करो, वापस गांव जाके एक चिट्ठी लिखो, मिलने की अर्जी तो DM साहब के नाम पे, फिर वो देखेंगे कि मिलना है कि नहीं मिलना है। अब जाइए, आप जाइए।
हम इसे रजिस्टर्ड आईडी से भेजेंगे ताकि रसीद हमें मिले। सबूत भी रहेगा कि डीएम ऑफिस को अर्जी मिल गई है जिसकी रसीद हमारे पास रहेगी। कोई कर्जा वर्जा नहीं लिया है हम लोगों ने, धोखे से लूटा उस हरीश गोयल ने हम सब गांव वालों को। देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसने किसको लूट लिया, हमें तो बस बैंक के पैसे की वसूली करनी है, उसी का कमीशन मिलता है हमें। अब चुपचाप ना दोगे तो चीख चिल्ला के, मार काट के, रो पीट के पैसे तो हम निकाल ही लेंगे। ऐसे कैसे धमकाते रहते हो तुम लोग, बंदूक है तो खूब दबंगई दिखाओगे। अब तक खूब प्रेम मनोहार से बात किए हैं, महीना हो गया एक को दमड़ी नहीं लौटाया तुम लोगों ने। तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो हमें भी नहीं मिलेंगे, बैंक ने तो बोला है जो करना है करो इनके साथ, बस पैसे निकाल लो। फिर भी अब तक हमने शांति से समझाया तुम लोगों को, लेकिन अब आखिरी बार कह रहे हैं, कान खोल के सुन लो, जो इस हफ्ते से पैसे चुकाने शुरू नहीं किया तुम लोगों ने, हम तुम लोगों का खेत बेचना शुरू कर देंगे। सबके खेतों के कागज है हमारे पास, समझे? भाई 4 दिन हो गया है डीएम साहब को अर्जी दिए हुए। ये बड़े लोग हैं भैया, हम गरीब का दुख दर्द ना दिखे इन्हें, हमारी जान जाते जाए पर इनके कान में जूना रंगी। अरे अब क्या तुम धमकी देके जवाब लोगे चिट्ठी का? क्यों भाई, बस तुम ही चिट्ठी लिखे हो पूरे देश में? अरे साहब के पास कितनी अर्जियां आती है पता तुम्हें? साहब 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया अर्जी दिए, इधर हम लोगों का जान जोखिम में पड़ा है। एक किसान सत्यनारायण काका मर चुके हैं और दूसरे प्रदीप काका का तबीयत भी बहुत खराब है। बहरे हो गए तुम? अरे कितनी बार बताऊं, जब डीएम साहब चाहेंगे तभी अर्जी का जवाब देंगे और नहीं चाहेंगे तो कोई जवाब नहीं देंगे। सब हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, बस एक बार हम हमारी बात डीएम साहब के सामने रखना चाहते हैं बस। अगर अब तुम यहाँ से दफा नहीं हुए ना तो हम पुलिस को बुलवा के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। अरे सीधी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? डीएम साहब नहीं मिलेंगे, चलो यहाँ से। खराब करके रख दिया है। सर हाँ, डीएम साहब की गाड़ी आ गई। जब तक ये लोग तमाशा खड़ा ना कर लें चैन नहीं मिलता लोगों को। हम गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। हम गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। हम गरीबों पे अत्याचार बंद करो। देखिए ना सब, बिना बात कितना हल्ला गुल्ला मचा रखा है इन लोगों ने। कोशपुर के किसानों के धरने का आज 3रा दिन है। बैंक ने इनके ऊपर कर्जे की अदायगी ना किए जाने का आरोप लगाया है, लेकिन इन किसानों का कहना यह है कि इन्होंने बैंक से ऐसा कोई कर्जा लिया ही नहीं है।
के नाम पे धोखा, फर्ज के नाम पे धोखा, गरीबों का हक, गरीबों का हक, गरीबों पे अत्याचार, गरीबों पे अत्याचार। अब इन किसानों के इस विरोध में तीन और पड़ोसी गांव के कई किसान शामिल हो चुके हैं, जो कि इसी बैंक से जुड़े ऐसे ही घोटाले का शिकार हुए। अब तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं, कोई अधिकारी इन किसानों से मिलने तक नहीं आया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी योजना का ये घोटाला हुआ है। अब देखना ये है कि क्या प्रशासन इन गरीब किसानों की बात सुनकर इस मामले की जांच पड़ताल करवाएगी या नहीं। लाइन फोर पे एसडीएम साहब हैं। नमस्ते अरविंद जी। नमस्कार सिंह साहब। अरविंद जी, इतने सारे किसान एक साथ विरोध कर रहे हैं, कोई तो सच्चाई होगी इनकी कहानी में। जी सर, मुझे भी लगता है। आप फौरन इन लोन्स की इंक्वायरी के ऑर्डर्स दीजिए और पुलिस को जांच करने के आदेश दीजिए। श्योर सर। और भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ किसान झूठे लोन की शिकायत कर रहे हैं। आप हर एक गाँव से कंप्लेंट चुनिए और उसकी शिकायत लिखवाइए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। श्योर सर, अभी करता हूँ। आखिर किसानों के विरोध प्रदर्शन से प्रशासन की नींद टूटी और इस मामले की जांच शुरू की गई। उनका निर्दोष साबित होना अभी बाकी था, पर कम से कम उनकी फरियाद तो सुन ली गई थी। मैंने तुम लोगों के पासबुक्स और नोटिस देख लिए हैं। अब हमें यह पता लगाना है कि हरीश गोयल कहाँ होगा। गांव में कोई रिश्तेदार है उसका? ना साहब, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। एक लक्ष्मण नाम का आदमी है जो उसका करीबी है, पर वो कह रहा था कि हरीश गोयल एक हफ्ता पहले गांव छोड़ के पता ना कहां भाग गया। इस लक्ष्मण को ले आओ। जी सर। साहब, वो वसूली वाले लोग हम लोगों को अभी भी परेशान कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हरीश गोयल ने अकेले किया है या कोई और भी उसके साथ था? अभी तक कोई सबूत भी हाथ नहीं लगा है। बहुत सफाई से सब कुछ चूना लगा गया साहब। तुम लोग सब्र रखो, अभी जाँच चल रही है, फैसला नहीं आया है। एक बार इस केस की गुत्थी सुलझे तो समझ में आए कि करना क्या है। सब हम तो हरीश बाबू का छोटा मोटा काम करते थे साहब। सब वो बड़े आदमी साहब, उससे मेरा क्या लेना देना है साहब? लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन उस तक तो तू ही पहुंचाएगा ना। सब सुनिए तो साहब, सब हमको छोड़ दीजिए साहब। साहब, एक दिन अचानक घर वालों को लेकर और सामान बांध कर कहीं चले गए। साहब, हमको क्या किसी को भी नहीं पता वो कहाँ गए। चल, तेरी बात मान ली, वैसे कहाँ जा सकता है वो? साहब, सच में नहीं पता। सर, ये हरीश गोयल जब से इस गांव से गया है तब से उसका नंबर भी डीएक्टिवेट हो गया। उसको पता चल गया होगा कि बैंक वसूली के लिए नोटिस भेज रहा है, इसीलिए चुपचाप फरार हो गया। बैंक में जब भी कोई नई स्कीम शुरू होती थी तो गांव वालों को सबसे पहले वही बताता था, है ना? हाँ साहब। और ये बैंक मैनेजर सुधीर मित्तल, जिसने इतनी दरिया दिली से कर्जे बांटे, उसे तो जानता होगा तू। अरे नहीं साहब, मैनेजर वैनेजर जैसे बड़े लोगों से हमारा क्या मेल, हम तो कभी उनसे मिले भी नहीं। सर, वो अजय बोल रहा था कि इस वक्त बैंक मैनेजर कोई अनुरोध सिंह है। इस सुधीर मित्तल का पता लगाते हैं, उसे पता होगा कि लोन सैंक्शन हुए कैसे। क्या हुआ सुहित बाबू? अजय, हम कोर्ट गए थे अपने काम से, तो हमें वहाँ खबर मिली कि बैंक के हेड ऑफिस को पता चल गया है कि डीएम साहब ने इस मामले की तहकीकात के आदेश दे दिए हैं, तो बदले में बैंक ने तुम सब लोगों के खिलाफ कर्जा ना भरने के मामले में केस दर्ज कर दिया है। अब क्या होगा सुजीत बाबू, ये तो मामला रोज बढ़ता जा रहा है। अरे नहीं, अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि जाँच चल रही है, लेकिन अब क्योंकि सामने से बैंक ने केस डाल दिया है तो मैं उनसे लोन के कागजात मांग सकता हूँ। बारीकी से जाँच करेंगे हर एक के लोन केस की, तब जाके पता चलेगा कि इतना बड़ा कर्जा आखिर मिला कैसे। और उससे क्या होगा? अजय देखो, कोई भी कर्जा जमीन के हिसाब से मिलता है, और तुम लोगों के पास कहाँ है इतने खेत खलिहान कि इतने बड़े बड़े रकम आसानी से मिल जाए। ये कागजात मिल जाएंगे ना तो बात खुल के सामने आ जाएगी। क्या? जी सर, अभी दो दिन पहले ही अनुरोध जी को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया है। किसलिए? जी, वो चंद्रपुर गांव के किसान की लोन की लिमिट बढ़ाने के लिए उनसे रिश्वत मांगी और उसने सीबीआई में कंप्लेंट कर दी। अच्छा, तो घोटालों की परंपरा काफ़ी पुरानी है इस बैंक।
2006 में भी कोशपुर गांव के कुछ किसानों को लोन दिए गए थे जो उन्हें आज तक मिले ही नहीं। इस केस में मेन अभियुक्त था इसी गांव का एक आदमी हरीश गोयल और मैनेजर थे सुधीर मित्तल। वो कहाँ हैं अब? ये तो 4 साल पुरानी बात है और इस बैंक में मेरे को सिर्फ 2 साल हुए हैं। मेरे वक्त सुधीर मित्तल यहाँ पर नहीं थे। कोई तो होगा जो उनके बारे में जानता होगा। जी शायद कपिल राणा आपको कुछ बता सके, वो उस वक्त हमारी बैंक की लोन डिपार्टमेंट में थे। मैं कमिन सर। आओ कपिल। इस वक्त वो हमारी वाराणसी की ब्रांच में है। उनका नंबर है आपके पास? नंबर तो नहीं है लेकिन मैं आपके लिए ढूंढ के निकालता हूँ। धन्यवाद। एक तरफ उस बैंक के ब्रांच मैनेजर को रिश्वत मांगने के लिए हिरासत में लिए जाने की चौंकाने वाली खबर सामने आई। ये साफ दिखाई दे रहा था कि किसानों को धोखा देकर उनके नाम पर लोन लिए जाने की बात सच हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वकील सुजीत शर्मा ने बैंक से किसानों के लोन के पेपर्स निकलवाए। बहुत सी बातें अब खुलकर सामने आने वाली थी। ये तुम लोगों की लोन के मंजूरी के कागजात हैं जो बैंक ने कोर्ट में जमा किए हैं। ये लो, अजय चौहान, जयंत सैनी, सत्यनारायण सिंह को, राकेश तिवारी, अर्जुन सिंह, राहुल दुबे। ये तो वही कागज है जो हमने भैंस के कर्जा के लिए हरीश को दिए थे। और ये देखिए, यहां हमने 30,000 रुपए भरा था और इसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। आई देखिए हमारा कागज पे कायद है 4 लाख रुपए कर दिया। ये देखा बाबू काली 4 लाख रुपया, हमार 3 लाख रुपया। सत्यनारायण जी की फाइल में भी 3 लाख लिखा है। ये तो सरासर धोखा है। हमें बोला गया था कि हमारे कर्जे की अर्जी में किसी कागज की कमी है। सब पेपर्स में अलग अलग खामियां हैं, इसलिए तुम्हें लोन नहीं मिला है और इसलिए हमारा कर्जा मंजूर नहीं हुआ। अच्छा तुम लोग जरा अपने जमीन के कागजात पर नजर डालो। ये हमारे फार्म में हमारे बाबूजी की तस्वीर लगी है, ये हमने तो लगाई नहीं। अरे हाँ राहुल, ये तो तुम्हारे बाबूजी हैं, चंद्रकांत जी। इस पे तो उनकी दस्तखत भी है। सुजीत बाबू ये देखिए, कर्जा का ये फार्म हमने 2006 में भरा था। 2006 में? हमारे बाबूजी 2004 में गुजर गए थे, वो दस्तखत कैसे कर सकते हैं? सुजीत बाबू ये देखिए, हमारा कागज पर हमारी घरवाली सुभद्रा का नाम चढ़ा दिया है। आई देखिए उसका दस्तखत, वो तो अंगूठा टेक है, उसको कहाँ लिखना आता है। अच्छा तुम लोग एक बार जमीन के कागजात देख लो अपने अपने। देखिए सुजीत बाबू, हमारे नाम पे इतनी बड़ी बड़ी जमीन है, इतना तो हमारा जमीन है नहीं है। आई देखिए हमारा कितना बड़का बड़का खेत दिखाया है। सत्यनारायण जी की जमीन भी असल से कुछ 10 गुने ज्यादा दिखाई गई है। देखने में कागज असली लगते हैं लेकिन तुम लोगों के कर्जे की रकम बढ़ाने के लिए फर्जी पेपर लगाए गए हैं। सबकी बड़ी बड़ी जमीनें दिखाई गई हैं। देखिए सुजीत बाबू, है ना ये साफ साफ धोखा। अब तो आपको सबूत मिल गया कि हमें लूटा गया है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब हमको ये साफ नजर आ रहा है कि फर्जी कागजात के बिना पर कर्जा दिया गया और पैसा निकाल भी लिया गया, लेकिन किसने क्या किया है ये तो इन कागजों से पता नहीं चलेगा ना। बैंक तो पलट के यही कहेगी कि तुम ही लोगों ने खुद ये फर्जी पेपर लगाए हैं अपनी अर्जी में। ये तो बड़ा जुल्म है, हमें बेगुनाह होने के बावजूद भी खुद को बचाना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, लुटे भी हम और फंसे भी हम। हाँ अब देखते हैं कि पुलिस की तलाश कहां तक पहुंची है, वो हरीश मिल जाए तो कुछ सच्चाई सामने आए। सर हम तो पहले भी लोन डिपार्टमेंट में एक छोटे से क्लर्क थे, आज भी क्लर्क ही हैं। मैं समझता हूँ कपिल, लेकिन जब तुम वहाँ लोन डिपार्टमेंट में काम करते थे और सुधीर मित्तल मैनेजर थे वहाँ, तब ये फ्रॉड हुआ है। तुम फौरन कोशपुर आ जाओ, बहुत कुछ पूछना है तुमसे। सर ये हरीश गोयल के नाम का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया हर जगह और हमारे खबरी भी काम पर लग गए हैं। इस हरीश की फोटो है हमारे पास और आगे की जाँच के लिए SDM की परमिशन भी है। इसकी तस्वीर हर जगह लगवा दो, कब तक बिल में छुपा रहेगा? जी सर। भाई
जितना जोर जबरदस्ती करना है कर लो, क्या करोगे जान लोगे? हम लोग तो वैसे ही रोज रोज मर रहे हैं, अब तुम्हारी धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। तुम्हारा झगड़ा बैंक से है, हमसे नहीं। हम सिर्फ यहाँ अपना काम करने आए। तुम यहाँ सिर्फ हम गरीबों को धमकाने आए हो, जबकि धोखा हुआ हमारे साथ। ऊपर से तुम लोग गिद्ध की तरह मंडराए हुए हम पर। हम सिर्फ बैंक का पैसा निकलवाने आए हैं ताकि हमारा कमीशन मिल सके। इतने चक्कर लगा चुके हैं, अभी तक कर्जे की एक भी दमड़ी नहीं लौटाया तुम लोगों ने, और भरेंगे भी नहीं, समझे? पुलिस की जांच चल रही है, तुम्हारा बैंक कोर्ट तक पहुंच गया है, अब काहे की वसूली? अब जो होगा कोर्ट कचहरी में ही होगा। वसूली ने अब तक दुई जान लेकर ली है, कोई और हम सबको लूट के चला गया, पीछे ये पनौती छोड़ गया। बहुत झेल लिया भैया हम लोगों ने, अब चले जाओ यहाँ से। जा रहे हैं, लेकिन जल्दी वापस आएंगे दोबारा नोटिस लेके, तो देखते हैं क्या करते हो तुम। सर, जब तक सुधीर जी ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने बहुत सारे लोन खुद ही सेंक्शन किए, और जो कि वो ब्रांच मैनेजर थे तो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। कोशपुर गांव के इन किसानों के लोन्स भी सुधीर मित्तल ने खुद ही सेंक्शन किए थे? हाँ सर, उन्होंने ही सेंक्शन किया होंगे। गांव वाले ये पेपर्स लेके आए थे हमारे पास, हमने जांच की है इन पेपर्स की। ये वो पेपर्स हैं जो बैंक ने कोर्ट में जमा किए थे, गांव वाले के वकील ने वहाँ से निकलवाए। बहुत सी गड़बड़ है इन पेपर्स में, सभी लोन्स के लिए एक ही गारंटर है, हरीश गोयल। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बैंक किसी के लोन के पेपर्स बिना देखे बिना परखे उन्हें लोन सेंक्शन कर दे? सर, हमने आपको बताया ना, सुधीर जी ब्रांच मैनेजर थे, और एक बार उनका ओके का थप्पा लग गया सर, फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता था। हो सकता है इस सब में वो भी शामिल हो। हाल ही में यहाँ का मैनेजर रिश्वत मांगने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, कोई हैरत की बात नहीं कि इसमें सुधीर मित्तल भी शामिल हो। क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता है कि उसका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, और अगर वो रिटायर हो गया है तो कहाँ है? कोई तो होगा जो ये सब कुछ जानता होगा। सर, किसी को भी नहीं पता कि सुधीर जी कहाँ। दरअसल सुधीर जी का कभी कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं था, 2008 में उन्हें सस्पेंड किया गया था, और उसके बाद किसी को नहीं पता कि क्यों सस्पेंड किया गया था उसको। सर, इन्हीं लोन के सेंक्शन होने के बाद इनकी वसूली ना हो पाने पर बैंक में इंक्वायरी बैठी थी, और सर उसी से पता चला था कि लोन सेंक्शन में बहुत बड़े घोटाले हुए। कैसे कैसे सैंक्शन हो सकते हैं ये लोन्स? लोन डिपार्टमेंट आंख पर पट्टी बांधे बैठा है, किसने चेक किए थे? हमने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पता लगाया, जमीन के ज्यादातर कागजात जाली। सर, सारे लोन सुधीर जी ने खुद सैंक्शन किए, हमारे पास ये पेपर्स उनके देखने के बाद ही आए, और एक बार उन्होंने सैंक्शन कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर, एक बार लोन डिपार्टमेंट को भी ये सारे पेपर्स दिखा लेते। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने हर केस ध्यान से देखा है। कभी किसी के दिमाग में नहीं आया इन पेपर्स की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए? लाखों रुपए गए बैंक का इन फर्जी पेपर्स पे दिए गए लोन से, कौन भरेगा ये? सर, ब्रांच मैनेजर ही फाइनल सेंक्शन देता, अब उनसे कौन सवाल करेगा? सर, सबको पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्यों? बैंक का काम है लोन देने का, और पैसे वापस आ जाएंगे, मैं देखूंगा कि पैसे वापस आ जाए। कैसे वापस आएंगे सुधीर जी? अगर किसान चाहें तो बैंक के खिलाफ फ्रॉड का केस कर सकते हैं अदालत में। मुझे एक बात बताइए, आखिर ये पैसे गए कहां? मुझे तो लगता है कि ये पैसे आपकी जेब में गए। इसके साथ मिलकर करते रहिए गबन। ऐसा इल्जाम मुझ पर मत लगाइए, मैंने जो कुछ भी किया है बैंक के लिए ही किया है। बैंक के लिए नहीं, आपने अपने लिए किया है, बैंक को लूटा है आपने। लूटा है मैंने? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, बैंक का जो टारगेट था एग्रीकल्चर सेक्टर में 20% लोन बांटने का, वो टारगेट पूरा करने की कोशिश मैंने की है, ताकि बैंक की दूसरे क्षेत्र में लोन देने की क्षमता बढ़ सके। प्रायोरिटी सेक्टर के नाम पर आपने अपनी जेब भरी है, ये क्लॉज है ना, ये या एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों के लिए बना है, जिसका नाजायज फायदा उठाया आपने। और तो और, खेती के लिए बांटे गए लोन्स वेवर स्कीम का भी आपने खूब इस्तेमाल किया, अनाप शनाप लोन बांटी आपने अपनी जेब भरने के लिए, क्यों है ना? हम आपके खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। सर, सारे बैंक, खास तौर पर नेशनलाइज बैंक को अपने लोन देने की कैपेसिटी का एक हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है, जैसे कि खेती और किसान। सर, सुधीर जी इस स्कीम का बहुत फायदा उठाते थे। और ये लोन वेवर क्या होता है? सर, सुधीर जी किसानों के नाम पर 50,000 से कम के फर्जी लोन बनाते थे, क्योंकि वो जानते थे सरकार कभी ना कभी उन्हें माफ़ कर देगी। सर, सरकार जिन किसानों के लोन को माफ़ कर देती है उसे ही लोन वेवर कहते हैं। सर, सुधीर जी अच्छी तरह जानते थे कि किसान के नाम पर लिए हुए लोन उन्हें कभी वापस नहीं करने पड़ेंगे। तो अब ये सुधीर मित्तल और हरीश गोयल आखिर हैं कहाँ?
नहीं पता सर, किसी को भी नहीं पता। प्रताप जी, ये प्लान ए, ये प्लान बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है। जब तक आप 55 के हो जाओगे, ये स्कीम आपको कम से कम हर साल 12 लाख का फायदा देती रहेगी। ये देखिए प्लीज। लेकिन ये स्कीम तो कुछ और ही बोल रही है। प्रताप जी, अब मेरी बात सुनिए, दिन रात में यही काम करता हूँ। ये तीन पॉलिसी मिला के मैंने खास पैकेज तैयार किया है, ये लीजिए। लाइफ सिक्योर, प्रीमियम कम, और 10 साल के बाद पैसे वापस। सुधीर मित्तल ने एक नए तरीके से एक नया काम शुरू कर दिया था, और हरीश गोयल फरार था। पुलिस उसे ढूंढने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन उस तक पहुंचने में अभी उन्हें बहुत वक्त लगने वाला था। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये केस अब तभी आगे बढ़ेगा जब ये हरीश गोयल हमारे हाथ लगेगा। हमें लगता है कि उसने ये फ्रॉड ब्रांच मैनेजर सुधीर मित्तल के साथ मिलकर किया है। साहब, उस मैनेजर का कुछ पता चला? वो भी गायब है, लेकिन एक बार ये हरीश गोयल हाथ लग गया तो मैनेजर भी मिल जाएगा। साहब, तब तक ये कर्जा का तलवार तो हम सब पे लटकता रहेगा ना। हमने उन वसूली वालों से साफ कह दिया है, वो तुम में से किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। बड़ी कृपा है साहब, बस एक बार ये सब हमारे सर से हट जाए तो खुल के सांस ले पाएंगे। हम समझ सकते हैं तुम लोगों के दिल पर क्या बीत रही है। हमारा यकीन करो, हमारे हाथ में जो भी है हम वो कर रहे हैं। साल और बीत गए, अब यह केस क्राइम ब्रांच के पास आ चुका था। अपने आसपास शिकंजा कसते देख आखिर हरीश गोयल ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। अब इस सारी साजिश से पर्दा उठने वाला था। तो तुम सब कुछ बताने को तैयार हो? हमने ये सब कुछ सुधीर जी के साथ मिलकर किया। पूरा प्लान बताओ, कब, कैसे, क्या किया? हम गांव वालों को हर उस नई योजना के बारे में बताते थे जो बैंक की तरफ से घोषित होती थी। हम सुधीर जी से फॉर्म्स लेते और गांव वालों के बीच उसकी घोषणा कर देते। हम गांव वालों से फॉर्म भरवाते थे, उनके दस्तखत लेते थे और उनके परिवार वालों की फ़ोटो भी लेते थे। हमें पता होता था कि गांव वालों को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो लोग हम पर भरोसा करते थे। कागजात इकट्ठा करने के बाद हम और सुधीर जी लोन की रकम बदल देते और कागजात भी बदल देते। सुधीर जी ब्रांच मैनेजर थे, इसीलिए ये सारा काम आसानी से हो जाता था। हम गांव वालों से विड्रॉल स्लिप्स पे साइन करवा के पहले ही ले लेते थे, और जैसे ही लोन की रकम उनके खाते में जमा होती थी हम पैसा निकाल लेते थे और आपस में बांट लेते थे। मॉडस ऑपरेंडी टू, लोन की क्रेडिट लिमिट बढ़ाना। हर किसान को उसकी जमीन के हिसाब से लोन मिलता था, और फिर तुम लोग फर्जी पेपर से लोन की लिमिट बढ़ाते थे ज्यादा जमीन दिखाकर। जी, जितनी ज्यादा जमीन होती थी उतना ही बड़ा लोन मिलता था, और फिर बढ़े हुए लोन का पैसा उनके अकाउंट्स में जाता था, और किसानों को सही तरीके से जो पैसा मिलना चाहिए उन्हें मिलता था, और बाकी का पैसा तुम्हारे और सुधीर मित्तल के पास जाता था। जी, मॉडस ऑपरेंडी थ्री, हम लोग फर्जी नामों पर फर्जी पेपर्स भी बनाते थे, कभी कभी मरे हुए लोगों के नाम के भी, जिनके नाम से बैंक में खाते हो और जो कभी बंद ना किए गए हो। हम लोग ऐसे खाते ढूंढते थे, सुधीर जी लोन पास कर देते थे और हम पैसा निकाल लेते थे। जाहिर है, फर्जी साइन करके। जी हाँ। और उन लोन में से कितने रिकवर नहीं हुए?
सुधीर जी सरकार की लोन वेवर यानी कर्जा माफी योजना का खुलकर इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे कर्जे 50,000 से कम के होते थे और इस रकम के किसानों को दिए जाने वाले कर्जे सरकार अक्सर माफ कर देती है। सुधीर जी को कर्जा माफी की योजना के बारे में पता होता था। कर्जे का खाता बंद हो जाता इसलिए कोई सवाल करने वाला नहीं था। तुम लोगों के कर्मों का खामियाजा गरीब किसान भुगत रहे हैं। सुधीर मित्तल तक तुम ही पहुंचा सकते हो, कहाँ है वो? हमें पक्का तो नहीं पता पर हम कुछ जगह बता सकते हैं जहां वो हो सकता है। मैं इज्जतदार सीनियर सिटीजन हूं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा, बस चुपचाप हमारे साथ चलिए। ये सब हरीश की मनगढ़ंत कहानी है। टेल मी, आपके पास क्या सबूत है कि ये सब कुछ मैंने किया है? बैंक ने भी मेरे खिलाफ इंक्वायरी बिठाई थी, आज तक एक भी सबूत नहीं मिला उन्हें। सुधीर मित्तल, हरीश ने साफ साफ बता दिया है कि किस तरह से तुम लोग धोखाधड़ी का प्लान चलाते थे और बैंक को लूटते थे। कौन सी धोखाधड़ी, कौन सा प्लान? ये गलत इल्जाम है मेरे खिलाफ, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। आई डोंट एक्सेप्ट। ठीक है, हम तुम्हें कोर्ट में पेश करेंगे। वैसे हरीश पहले ही कोर्ट में सरेंडर हो चुका है, कोर्ट के सामने सारे गुनाह कबूल कर चुका है। अब तुम और तुम्हारा वकील अपने हिस्से की दलील दे सकते हो। कम से कम अब खुल के सांस तो ले सका था। हाँ बाबूजी, बिना कोनो गलती के इतना वक्त लगा खुद को बेगुनाह साबित करने में। हाँ बेटा, सुने थे गिद्ध सिर्फ लाशन को ही नोचते हैं, लेकिन ये तो कलयुग है, जीते जागते इंसानों को भी नोचते हैं ये गिद्ध। चल बेटा दुकान पे चल। ठीक है बाबूजी। चल प्रकाश, चल आ जा। हरीश गोयल जमानत पर बाहर है और सुधीर मित्तल न्यायिक हिरासत में है। सुधीर मित्तल का अभी यही मानना है कि उसे इस केस में फंसाया गया है। बैंक ने अपने रिकवरी एजेंट के हाथों अब गांव वालों को सताना बंद कर दिया है। ये गांव वाले अब उस चिंता और डर से मुक्त हो चुके हैं जिसने इनके जीवन में उथल पुथल मचा दी थी। लेकिन कुछ लोग जो इस घटनाक्रम के दौरान अपनी जान खो बैठे हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेते हैं और अक्सर लौटाने में चूक भी जाते हैं, लेकिन बैंक उनसे पैसा वसूल करने के लिए लड़ते ही रह जाते हैं। लेकिन जब गरीब लोगों को इनके वसूली करने वाले लोगों का सामना करना पड़ता है तो उनकी नींद हराम हो जाती है, जीना दुभर हो जाता है। सवाल ये उठता है कि किसानों के और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इतनी योजनाओं के बावजूद उनके जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं है? लोन्स की माफी की योजनाएं और इतने अनुदानों के बावजूद क्यों हमारे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं? क्या ये लोन माफी की योजनाएं और बाकी सुविधाएं इन किसानों तक पहुंच पाती हैं, उन लोगों को मिल पाती हैं जो इसके असली हकदार हैं? इस केस से कई अहम सवाल सामने आते हैं। बैंक के ब्रांच मैनेजर के अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सस्पेंड होने के बावजूद भी उसके कार्यकाल में दिए गए लोन के बारे में बैंक ने जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि शायद गांव वालों को धोखा दिया गया हो? आखिर क्यों उनसे लोन्स की वसूली के लिए रिकवरी एजेंट्स भेजे गए? बैंक ने अपने ही ऑफिसर्स के इस तरह की साजिश में शामिल होने की संभावना पर सवाल क्यों नहीं उठाए, जबकि उसी ब्रांच का एक दूसरा मैनेजर रिश्वत लेने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था? डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाने से ऐसे मामलों में पारदर्शिता आएगी, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ये भी सबसे जरूरी है कि ऐसे गिद्धों पर रोक लगाई जाए जो ऐसी हर प्रक्रिया में दूसरों को अपने लालच का शिकार बनाने का तरीका ढूंढते रहते हैं। और ये कोशिश सिर्फ प्रशासन की तरफ से नहीं बल्कि हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। हमें सतर्क रहना होगा ताकि ऐसे मुजरिम हमारा फायदा ना उठा सके। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।